बीकानेर में इन दिनों पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है और डिबल सिस्टम के आधार पर पानी का वितरण किया जा रहा है, लेकिन वह भी पूरा नहीं हो पा रहा। शहर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत हो रही है। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बीडी कल्ला जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता से मिले, मिलकर के उन्होंने इस वितरण प्रणाली को ठीक करने की बात की और आम लोगों तक पानी मुहैया करने की बात की। उनके साथ में नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता जावेद परिहार भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यह ज्ञापन दिया गया। वही हमने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता से की खास बातचीत। ऐसा है कि आपको जानकारी है कि नहर बंदी चल रही है, नहर के अंदर हमारे को 29 मार्च से पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास में जो भंडारण था सोमासर जलाशय में वो 1500 ml पानी था जो अपने 17 दिन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त था। चूँकि नहरबंदी 35 दिन की कम से कम है, तो इन ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने ऑल्टरनेट डे पानी देने की व्यवस्था कर रखी। शहर के अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन जलतरण किया जाता है। जो बीच वाले जलाशय से संबंधित क्षेत्र है वहाँ चूँकि हमारे पास में पानी मिल रहा था, तो व्यास कॉलोनी, सागर कॉलोनी, स्टेडियम, करनी नगर, ये जो एरिया है इसमें तो हम आपूर्ति डेली कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अंदरूनी इलाका है पूरा बीकानेर का उसके अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन व्यवस्था की गई। आगे कितने दिन तक बैठी और ये व्यवस्था देखिए, अभी हमारे पास में जो IGMP वालों की तरफ से मैसेज है 10 के आसपास पानी आएगा, तो 10 तारीख तक ये व्यवस्था रहेगी। सुनने में आ रहा है कि 2 दिन पानी बंद रखोगे, 2 दिन बाद? जी हाँ, ये हम लोग इसको पानी की उपलब्धता को और अभी आने वाले 3-4 दिन बाद इसको दोबारा इसको एनालाइज करेंगे कि हमारे को 10 तारीख तक निकालने के लिए जो टाइम चाहिए उसके अनुसार अगर पानी की मात्रा कम होगी तो। इसी मौके पर हमने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बीडी कल्ला से भी की विशेष बातचीत। बीकानेर के जलदाय विभाग के शिक्षण अधिकारी से आज हम लोग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के डेलीगेशन के साथ मिले हैं। हमारा फोकस इस बात पर है कि बीकानेर में पीने के पानी की समस्या जो अलग अलग बस्तियों में रह रही है उसका तत्काल समाधान किया जाए, कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए और जहां पानी और सीवरेज लाइन मिली हुई है पानी की आपूर्ति की लाइन उनको ठीक किया जाए, और इसके साथ साथ जहां भी पानी की कमी का कोई फोन कंट्रोल रूम में आए वहां टैंकरों से सप्लाई की जाए, और जहां जहां हमारे खास तौर से वार्ड नंबर 1, 60 और अपने सर्वोदय बस्ती इन सब जगहों पे नथुसर गेट नया शहर और कच्ची बस्तियों में खासतौर से जहां पर पीने के पानी की कमी है और जो टेल एंड में उनमें सुधार के लिए 20 वाल में जहां पानी की आपूर्ति है अभी उससे उनको कनेक्ट किया जाए। अधीक्षण अभियंता ने यह आश्वस्त किया है कि वाटर मैनेजमेंट को ठीक कर सभी जगह पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पर टैंकरों से पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हमने आगामी समय में जो कुएं बंद पड़े हैं उनको शुरू करने की मांग की है और इसके साथ साथ एक नए जलाशय की मांग की है जो 2045 और 50 की जनसंख्या के आधार पर बने, जो 20 वाल और सोमासर इन दोनों को कनेक्ट करते हुए पूरे शहर की आपूर्ति को सही और सुव्यवस्थित